महू कोतवाली थाना इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। महू कोतवाली थाने पर पदस्थ पुलिसकर्मियों की लापरवाही के चलते आए दिन विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, लोगों द्वारा थाने का घेराव किया जाता है। सोमवार को कोतवाली थाने पर बाल कांग्रेस शहर अध्यक्ष कार्तिक शर्मा भजन संध्या की अनुमति लेने थाने गए थे। महू थाने में पदस्थ ASI सुरेंद्र परमार शराब के नशे में थाने पर आए और कार्तिक शर्मा से बदसलूकी करते हुए मारपीट शुरू कर दी। जबकि थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदूरिया थाने पर मौजूद नहीं थे तो उनको भी गाली गलौज करने लगे। आश्चर्य की बात यह है कि ASI सुरेंद्र परमार हमेशा शराब के नशे में धुत होकर ड्यूटी करते थे। जब घटना की जानकारी कांग्रेस नेताओं को लगी तो तत्काल एडिशनल SP शशिकांत कनकने से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई। इसकी जानकारी इंदौर जिला ग्रामीण SP हितिका वासले को दी गई और उन्होंने तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए निलंबित कर इंदौर अटैच किया गया। थाना पर पदस्थ ASI सुरेंद्र परमार की इस घटना से आहत होकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैलाश दत्त पांडे के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर घटना का पर्दाफाश किया गया। इस मौके पर संजय शर्मा, शैलेंद्र शुक्ला, विजय नौलखा, विकास गुडाले, अंजनी जोशी, विजय शर्मा और सुभाष पटवारी आदि मौजूद थे। हमारे बाल कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ जो थाने के ऊपर अनुमति मांगने गए थे उसके साथ जो घटना हुई है, दुर्घटना हुआ है, उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र हम लोगों को दिख रहा है। वो माननीय कमलनाथ जी की कार्यशैली से और कांग्रेस के बढ़ते जन आधार को देखते हुए बोखला गई है। भारतीय जनता पार्टी और पुलिस वालों से इस प्रकार से शिवराज सरकार के अंदर हम लोग ये बहुत खुले मंच से कहना चाहेंगे कि जो लोग धार्मिक कार्यक्रम यदि करना चाहते हैं, धार्मिक परमिशन लेने जाते हैं, उनके ऊपर यदि इस तरीके का व्यवहार होता है तो ये धर्म विरोधी गतिविधि है पुलिस प्रशासन की और भारतीय जनता पार्टी की, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने ASI जो है सुरेश उसे निलंबित भी कर दिया है। आगे आपकी क्या मांग है? हमने तत्काल बात करी कि एडिशनल SP से जो हुआ है वो खराब है, उनके पूरे संज्ञान में हमने मामला लाया है। हमने तत्काल उसको जो है अपने SP से उसको सस्पेंड करा दिया है। वो एक अच्छी कार्रवाई है और पुलिस प्रशासन की भी उसकी ड्यूटी है, किंतु फिर भी हम इस बात से संतुष्ट नहीं है कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं की प्रवृत्ति न हो। हम इसमें कोर्ट में भी जाएंगे भी और उस बड़ा पुलिसकर्मी के खिलाफ मुकदमा लगाएंगे और मुकदमा लगा करके उसके ऊपर हम कार्रवाई कराना चाहेंगे। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट।